नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चमक प्रभा। जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही का चला विशेष अभियान। भागलपुर पुलिस की 52 टीमों ने अलग अलग 249 स्थानों पर दबिशे देकर हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर, अवैध शराब, अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान और वांछित अपराधियों सहित कुल 207 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध देसी शराब की धरपकड़ में 9 प्रकरण दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 488 पौवे, 15 बियर की बोतल, 15 लीटर हथकड़ शराब जब्त की। अवैध हथियारों की धरपकड़ में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एक सिंगल शॉट पचपेरा, 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक बंदूक, 12 बोर व 7 कारतूस, 12 बोर व 2 अवैध कट्टा, 315 बोर जब्त किए। पुलिस की टीमों ने 10 गिरफ्तार स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर राहुल प्रकाश आईपीएस के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में कल एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही के अंतर्गत हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शूटर व उनके सहयोगियों एवं अवैध हथियार, अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ वाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 250 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 52 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 249 स्थानों पर दबिश देकर 207 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियान में 16 हार्डकोर व हिस्ट्री सीटर, 48 आरोपियों को विभिन्न मामलों में वांछित चलने पर 10 स्थायी वारंटी, 6 आरोपियों को अवैध हथियार, 7 आरोपियों को अवैध शराब एवं 120 अपराधियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीमों ने 10 गिरफ्तारी, स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार। एरिना डोमिनेशन के विशेष अभियान के अंतर्गत नादनपुर पुलिस द्वारा स्थायी वारंटी नंदो उर्फ नंदराम निवासी कानपुर थाना नंदपुरा, जलोपुत्र सोदाम सिंह निवासी खानपुरा तथा नादनपुर, श्रीराम पुत्र प्रतिभान निवासी विजयपुरा थाना नादनपुर, सुरेश पुत्र लालाराम निवासी मोहल्ला बड़रिया थाना नादनपुर, विनोद पुत्र मोतीराम निवासी बड़रिया थाना नादनपुर, सुल्तान पुत्र लोटन सिंह निवासी धौरे थाना नादनपुर, धर्मेंद्र पुत्र देवी सिंह निवासी वासरई थाना नादनपुर व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंटी, देवी चरण पुत्र लोहरे निवासी नयापुरा थाना कोलारी, माखन पुत्र अमर सिंह निवासी टहली थाना कोलारी, बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी टहरी थाना कोलारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एरिया डोमिनेशन के इस विशेष अभियान के अंतर्गत अवैध हथियारों की धरपकड़ में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एक सिंगल शॉट पचपेरा, 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक बंदूक, 12 बोर व 7 कारतूस, 12 बोर व 2 अवैध कट्टा, 315 बोर को जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों और अवैध कार्यों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ की कार्यवाही जारी रहेगी। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में युवाओं ने निकाली रैली और एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से राज्य के युवाओं में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर मंगलवार को बसेड़ी कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा कस्बे के बयाना मोड़ पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं की भीड़ को देखते हुए बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और युवाओं से बातचीत की, जिसके बाद युवा बयाना मोड़ से रैली निकालते हुए भारद्वाज मार्केट, पीपल मंडी, पीएनबी बैंक हवेली
नीली थोक तिराहा मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षक भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें राजस्थान के युवाओं में भयंकर उससे राजस्थान के युवाओं में भयंकर रोष व निराशा व्याप्त है एवं उन्हें उनका भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे युवाओं में मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में पुरुष होना भी एक अभिशाप माना जाएगा। महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुष वर्ग का हक न छीने, अतः सरकार 50% महिला आरक्षण पर पुनर्विचार करे, अन्यथा युवा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में उसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिससे युवाओं में रोष व्याप्त है और युवाओं में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। अगर समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो युवाओं में मानसिक तनाव पैदा हो जाएगा, जिससे युवा कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। जो आरक्षण महिलाओं के लिए 50% दिया है, उससे युवाओं में आक्रोश की भावना है और वो अपने भविष्य को देखते लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए इसको वापस लेने की उनसे विनम्र निवेदन करते हैं। क्योंकि इसका जो अभी मामले देख रहे हैं आप, नागौर में अभी कल परसों एक युवा व्यक्ति है, उसने अभी आत्महत्या की हुई है। क्योंकि अब जो युवा लोग हैं उनके लिए भविष्य में कुछ राह ही नहीं है, वो किस चीज़ की तैयारी करेंगे। 50% ले गई, पूर्व सैनिक, विकलांग, ST SC ब्रेलो किस में जाएंगे, इसीलिए इनके भविष्य। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। प्रधानमंत्री योजना के 9 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद आयुक्त ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री योजना के 9 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा और नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह के द्वारा सभी लाभार्थियों को बताया गया कि प्रधानमंत्री योजना के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और कहा कि प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयास से प्रधानमंत्री के अंतर्गत बहुत से गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध हो सके। नगर परिषद द्वारा 2,379 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किया गया था, जिसमें 130 लाभार्थियों को प्रथम, 120 द्वितीय, 885 तृतीय, 358 जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत आज 25 जून 2024 को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें 103 लाभार्थियों को तीसरी किस्त और लाभार्थियों को अपने आवासों को समय पर पूर्ण किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा, सभापति खुशबू सिंह सहित लाभार्थी और नगर परिषद कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो लाभार्थी धौलपुर में इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो करीब 103 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 किस्त ले चुके हैं और तीसरी किस्त का लाभ उठाने आज यहाँ आए हैं। तो 2 किस्त जो उन्होंने ली थी, उनका आवास जो बनाने के लिए वो उनका आवास बन चुका, हम लोगों ने चेक किया तो तीसरी किस्त के लिए वो एप्लीकेबल है। तो आज वो यहाँ, उनको बुलाया हमने और इस योजना का लाभ दिया और उनसे अनुरोध भी किया कि और भी जो उनके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी 11 प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी जो आज 2015 से जो कार्यक्रम इस योजना शुरू हुई थी,
आज इसकी 9वीं वर्षगांठ थी, हमने लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें कुछ जो लाभार्थी 103 लाभार्थी जिनकी थर्ड किस्त में 60,000 रुपए उनको वितरित की गई है। और अभी हमारे यहाँ 2400 निवासी धर्मपुर शहर का एकमात्र संस्थान सीएमए, जहाँ पर एक ही छत के नीचे 9th, 10th, 11th, 12th के साइंस विषय की सारी कक्षाएं संचालित की जा रही है। 9th व 10th के साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और 11th, 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जाती है। सीएमए का रिजल्ट गत 9 वर्षों से 100% रहा। 22 वर्ष में कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए व कक्षा 12वीं के 45 से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। हमारा पता है FR कॉलोनी राणा मैरिज गार्डन के पीछे धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769516329। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित पांडे फ्रॉम करियर मेकर एकेडमी SCMA धौलपुर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th तक के इंग्लिश मीडियम कोचिंग प्रोवाइड करता है। क्लास 9th और 10th के लिए हम लोग साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश के साथ हिंदी प्रोवाइड करते हैं विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल्स। क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश फ्री रहता है सभी बच्चों के लिए। साथ में हम लोग सभी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, साथ में सेमिनार और रोबोटिक्स की वर्कशॉप रहती हैं और पूरा स्टडी मटेरियल सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्लास 9th के और 10th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैचेस 24th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, क्लास 12th का अपना कोचिंग का जो रिजल्ट है उसमें लगभग 45 बच्चे जो है 90 अबव आए हैं और क्लास 10th में लगभग 50 बच्चे 90 अबव हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उसी रिजल्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन CMA। थैंक यू। सैपो थाना पुलिस ने इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक चोरी की बाइक, अवैध 315 बोर देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश रवि ठाकुर पुत्र प्रहलाद और रोहित पुत्र गुड्डूराम कुंकरा गांव के निवासी है। दोनों ही बदमाश इलाके में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, तभी थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ दोनों बदमाशों को राजा का नगला के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि बदमाश रवि ठाकुर शातिर किस्म का अपराधी है। वह पूर्व में रूपास थाना अधिकारी पर फायरिंग के आरोप में जेल भी जा चुका है। अब जेल से बाहर आने के बाद वह अपने साथी बदमाश रोहित और अन्य गुर्गों के साथ अवैध हथियारों की तस्करी का कारोबार कर रहा है, जिसके बड़े स्तर पर चंबल रेत की तस्करी में भी बड़ा नेटवर्क है। कक्षा 10वीं वर्ष भी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटजोर के पीछे धौलपुर, स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। शहर के समाज सेवी मनोज बघेला को भूटान में G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर मिला है। यह सम्मान समारोह 19 से 21 जून के बीच भूटान देश के थिम्पू में आयोजित किया गया, जिसमें भूटान देश के पूर्व प्रधानमंत्री किंग जेंग दोर्जी द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर मनोज बघेला को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर भूटान सरकार के मंत्री लोकनाथ शर्मा और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस दासो रिंचिन पैनजुर और वैद्य धर्मगुरु सागेदौर मौजूद रहे। सभी लोगों ने समाज सेवक मनोज बघेला के समाज सेवा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मनोज बघेला के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित होने से पूरे धौलपुर में उत्साह का माहौल है। साधारण तौर पर समाज सेवी मनोज बघेला भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हुए हैं। वह 17 से ज्यादा बार रक्तदान कर लोगों के जीवन की रक्षा कर चुके हैं। गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान के साथ कई समाज सेवा के कार्य में भी शामिल है। सैपुर खंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपुर। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपुर खंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। बसेड़ी पुलिस ने धरपकड़ अभियान के दौरान 6 गिरफ्तारी वारंटी एवं शांति भंग में 7 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 6 गिरफ्तारी वारंटी और शांति भंग में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी वारंटी मुकेश पुत्र गुलाब सिंह जाति कुशवाहा उम्र 36 साल निवासी धुंधीपुरा, हौतम सिंह पुत्र छेदू जाति ठाकुर उम्र 53 साल निवासी जागरा, वीरेंद्र सिंह पुत्र केशव जाति ठाकुर उम्र 37 साल निवासी नगला महो, रामेश्वर पुत्र अजमेर सिंह जाति कुशवाहा उम्र 38 साल निवासी कुनकुटा, जीवन सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति जाट उम्र 53 साल निवासी पातीपुरा एवं राजबहादुर पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट उम्र 64 साल निवासी पातीपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं शांति भंग में सुजान सिंह पुत्र भीम सिंह जाति ठाकुर उम्र 21 साल निवासी बरौली, शैलेंद्र पुत्र सुबेदार जाति ठाकुर उम्र 42 साल निवासी बरौली, टिंकू उर्फ जनवेद पुत्र गोपाल जाति ठाकुर उम्र 30 साल निवासी रतनपुर, धर्मपाल पुत्र गोपाल सिंह जाति ठाकुर उम्र 34 साल निवासी मिर्जापुर, शैलेंद्र पुत्र मेघ सिंह जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी अतरसुमा, भानु पुत्र कैलाशी जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी अतरसुमा और आकाश पुत्र गब्बर सिंह जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी को अलग अलग स्थानों से शांति भंग करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। मसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरास विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल, कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9560879440, दूसरा 9549831768। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ब्रजेश चंदोलिया ने बाड़ी गुरु की बगिया अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण।
बाड़े अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ब्रजेश चंदोलिया ने मंगलवार को शहर की गुरु की बगिया स्थित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने टोकन काउंटर, भोजन की पाकशाला, भंडार गृह सहित आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रसोई में भोजन कर रहे लाभार्थियों से भोजन के बारे में गुणवत्ता और फीडबैक लिया। तो लाभार्थियों ने भोजन की क्वालिटी को अति उत्तम बताया। आसपास की साफ सफाई को देखकर अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। इस दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ब्रजेश चंदोलिया, तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, सामुदायिक संगठन जोगेंद्र सिंह मीना सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से दसवीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। धौलपुर के सेपू थाना इलाके के नौरंगाबाद गांव में सोमवार शाम दो पक्षों में सड़क पर साइड लेने पर झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम तैनात की गई है। पुलिस उपाध्यक्ष आनंद राव सहित कोलारी और सेपू थाने की पुलिस झगड़े को शांत करने में जुटी हुई है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो बाइक सवार युवक फुलपुरा सड़क मार्ग पर नौरंगाबाद अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान फुलपुरा गांव में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा कर खाद भरने का काम कर रहे थे। सड़क पर बाइक निकालने के लिए जगह नहीं होने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद बाइक सवार युवकों ने गांव नौरंगाबाद फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। दोनों पक्षों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई और खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में गांव में दहशत फैल गई। मारपीट और फायरिंग में कालीचरण पुत्र लौरे और मोहन पुत्र भादई घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर घटना की सूचना मिलने पर सीओ आनंद राव मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9413818881 और 9464012411। बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बसेड़ी पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर माए दो कारतूस, 32 बोर व एक कट्टा, 315 बोर माए दो कारतूस, 315 दो लोहे के सरिया व दो लाठी व एक चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद।
धौलपुर SP सुमित मैणा के निर्देशन में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीना के नेतृत्व में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमों में ओमकार पुत्र विजय सिंह जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी खड़गपुरा, विकेश पुत्र कुंभेर सिंह जाति ठाकुर उम्र 23 साल निवासी अतरसुमा, रोहित पुत्र वीरेंद्र सिंह जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी दिनकटा हाल निवासी गांधी तिराया बसेड़ी, राहुल पुत्र विजयपाल जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी खड़गपुरा, विष्णु पुत्र राकेश जाति उम्र 19 साल निवासी रतनपुर और दीपू उर्फ दीपक पुत्र देवेंद्र सिंह जाति गुर्जर उम्र 19 साल निवासी ठेकुली थाना कोलारी जिला धौलपुर हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर मय 2 कारतूस 32 बोर व एक गट्टा 315 बोर मय 2 कारतूस 315 बोर 2 लोहे के सरिया व 2 लाठी व एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनो पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यस 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सापो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हुआ पूरी सब्जी का भंडारा। बाड़ी सदर बाजार के व्यापारी दुकानदारों द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए 8 मन आटे की पूड़ियां और 3 क्विंटल आलू की सब्जी का विशाल भंडारा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार किया गया। इसके लिए प्रसादी पाने वाले भक्त लोगों की लाइन लगाकर प्रसाद बांटा गया। प्रसाद वितरण में सदर बाजार के निवासी दुकानदार भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों सभी का तन मन धन से भरपूर सहयोग मिला एवं इंद्र देवता से सभी ने प्रार्थना की कि भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए बाड़ी के ऊपर आप मेहरबान हो, जिससे गर्मी से राहत मिल सके। प्रसाद वितरण में दुकानदार भाई दिलीप बंसल कपड़े वाले का विशेष सहयोग रहा। उनकी मेहनत लगन से भंडारा संपन्न हुआ। उनकी देखरेख में यह सब कार्यक्रम आयोजित हुआ एवं सहयोग के लिए राम निवास बिजली वाले, पिंकी सराफ, पवन सराफ, छुटका वीज वाले, बंचू राजू, मुकेश बर्तन वाले, रोहित मित्तल, सोनू बरई वाले, सुरेश बंसल, राम कुमार चौधरी आदि सभी का सहयोग रहा। भैसना में गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा जारी। भगवान की भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। कथा के अंत में महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर जगदीश शर्मा, मैट भैसेना, वीरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, राकेश शर्मा, आचार्य अरुण कांत लवानिया जी, वरिष्ठ अध्यापक मुन्नालाल राजपूत, मुकेश कुमार सहित कथा प्रेम और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांगोलिया की रिपोर्ट। शहर मंडल भाजपा ने काली पट्टी बांधकर बनाया काला दिवस।
शहर मंडल धौलपुर द्वारा जाजुआ वाली माता मंदिर पर आपातकाल की 50वीं वर्षी पर काला दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर और अगरबत्ती जलाकर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने की। मुकेश सक्सेना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सन 1975 में आज के दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। भारतीय जनता पार्टी इसे प्रतिवर्ष काले दिवस के रूप में मनाती है। मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि आज हम सभी कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय आपातकाल का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सभी सत्याग्रहियों को नमन करते हैं। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री फैजल खान ने किया। इस अवसर पर पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंद्रलाल कोहली, पूर्व पार्षद सुनील नरवर, पार्षद प्रतिनिधि महेश चंद्र कोहली, ओमकांत शर्मा, गब्बर उस्मानी, राम रतन, रविन्द्र कुमार कटरा, यूसुफ खान सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस वक्त हम अपने 16 साल के थे तो हमारे जनजक पार्टी के कार्यकर्ता रघुवीर सिंह जी कौशल और ललित किशोर चतुर्वेदी जी उस वक्त वो धौलपुर आए थे और हमने उनको 15 दिन तक रुका के रखा था। उससे पुलिस को मालूम पड़ा तो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। स्वरोजगार के लिए नगर पालिका बसेड़ी ने शुरू की दीनदयाल अंत्योदय योजना। नगरपालिका बसेड़ी द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार हेतु अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल ने बताया कि इस योजना के तहत रोजगार करने और बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत ऋण अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और 3 से 5 लोगों के लिए समूह ऋण ग्रुप में लोन अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपए तक 7% ब्याज दर पर ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति नगरपालिका बसेड़ी कार्यालय पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।